फिल्मों में अगर इफेक्ट्स ना हो तो फिल्में कितनी बेमजा दिखेंगी। रेडियो पर तो आवाज, कंटेंट और साउंड इफेक्ट्स कमाल दिखाते हैं, मगर जब टीवी या सिनेमा की बात हो तो विजुअल इफेक्ट्स का होना लाजमी हो जाता है। और आज ये सब दिखाना आसान भी है। मेकअप से 55 साल के व्यक्ति को 20 साल का दिखाया जा सकता है और 20 साल के युवा को 80 साल का बुजुर्ग। कंप्यूटर एनिमेशन की मदद से 2 फीट की ऊंचाई को 1000 फीट का बनाया जा सकता है। एक्शन भी ज्यादा रियल नजर आते हैं और नेचुरल सीन्स भी। लेकिन सिनेमा की शुरुआती दौर में ये सब इतना आसान नहीं था। दादा साहब फाल्के जब अपनी दूसरी फिल्म मोहिनी भस्मासुर बना रहे थे तो उसके क्लाइमेक्स में भस्मासुर को भस्म होना था और उसके सिर से आग निकलते हुए दिखाना था। पहले तो समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा होगा कैसे। फिर बहुत सोचा गया और सोचने के बाद ये डिसाइड किया गया कि विग में किसी चीज को रख कर आग लगा दी जाए। फिर एक गोल डिब्बा मंगाया गया, उसमें नीचे गीली मिट्टी बिछाई गई ताकि जब आग लगे तो उसकी गर्मी सर तक ना पहुंचे। मिट्टी के ऊपर लकड़ी का बुरादा बिछाया गया, उस पर रंधे से उतारे गए लकड़ी के छिलके रखे। देर तक आग जलाने के लिए उसमें मक्खन भी डाला गया। फिर उसे सर के ऊपर विग में ऐसे रखा गया जिससे वो नजर ना आए। साथ ही एक आदमी को ये जिम्मेदारी दी गई कि टेक ओके होते ही तुरंत विग खोल दे। कुछ रिहर्सल्स की गई, सब कुछ ठीक रहा। लेकिन जैसे ही शॉट फिल्माया गया, अचानक भस्मासुर के चिल्लाने की आवाज आई। जाने कैसे आग भड़क गई थी। उस कलाकार के सिर पर जख्म भी हो गया था। कलाकार को तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया, पर उस एक्सीडेंट से वो आर्टिस्ट इतना डर गया था कि दोबारा शूटिंग के लिए बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। पर इस सारी कवायद का फायदा ये रहा कि जब ऑडियंस ने पर्दे पर ये सीन देखा तो हैरानी और खुशी से पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। साबुन के झाग आजकल बच्चों के बबल्स उड़ाने के काम तो आते हैं, मगर ये झाग एक जमाने में फिल्म की शूटिंग में भी बहुत काम आए। अशोक कुमार और नसीम बानो की जोड़ी एक समय में काफी हिट थी। इन दोनों ने कई फिल्में एक साथ की। ऐसी ही एक फिल्म थी बेगम, जिसके एक सीन में हैवी स्नोफॉल दिखाना था। अब समस्या ये थी कि शूटिंग स्टूडियो में हो रही थी, मतलब बर्फबारी का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना था। सब ने अलग अलग सुझाव दिए मगर कुछ भी ज्यादा कारगर नहीं लग रहा था। तब अचानक किसी के दिमाग में आया झाग, साबुन के झाग। फिर निर्देशक सुधीर मजूमदार ने वॉशिंग पाउडर के 100 डब्बे मंगवाए और स्टूडियो में जो पहाड़ों का सेट लगा था उन पहाड़ों पर जगह जगह झाग तैयार करके रख दिए और फिर पंखे की हवा से उन्हें गिरती बर्फ जैसा दिखाया गया। और कमाल की बात यह है कि पर्दे पर वो एकदम असली बर्फबारी जैसे दिखे।